शैक्षणिक मित्रों, एक बार फिर हम लोग गिरिधर नागर कविता की द्वितीय पद पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। इस वीडियो में मीराबाई द्वारा रचित भक्ति सागर में डूबेंगे, जिसमें मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबकर इस संसार की जो भव सागर की जो दुनिया है उससे पार होना चाहती हैं। जो भी सांसारिक चीजें हैं उससे मुक्त होकर, विरक्त होकर, आरती होकर वे कृष्ण की शरण में जाना चाहती हैं। पहले मैं उस पद को एक बार पढ़ता हूँ और फिर एक एक पंक्ति को, एक एक लाइन को मैं व्याख्यायित करूँगा। हरि बिन कूण गति मोरी, हरि बिन कूण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी तेरी, रावरी चेरी तेरी रही चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाये फेरी, हिमाये फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, प्रभु आरती है तेरी, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, विकार सागर बीच में घेरी, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी, बूढ़त है बेरी, बिरहणी पिव की बाट जोए राख लियो नेरी, राख लियो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी, दासी मीरा राम रटत है दासी मैं शरण हूँ तेरी। अंतिम लाइन से शुरू करते हैं, मीरा दासी मीरा राम रटत है शरण हूँ तेरी। मीरा मीराबाई कहती हैं, मीराबाई अपनी अभिव्यक्ति देती हैं, क्या कहती हैं, राम राम रटते रटते, राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, विष्णु के अवतार हैं, राम राम रटते रटते मैं पूरी तरह से तुम्हारी शरण में हूँ, शरण हूँ तेरी, मैं इस भव सागर से पार पाने के लिए केवल और केवल तुम्हारे शरण में हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। क्या क्या भावनाएं कहती हैं, हरि बिन कूण गति मेरी, गति दशा अवस्था, हरि बिन भगवान कृष्ण के बिना, भगवान राम के बिना मेरी कौन सी गति है, मेरी क्या गति है, मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, राम के बिना कृष्ण के बिना मेरी कोई गति नहीं, कोई अवस्था नहीं, कोई पहचान नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल रक्षक, रक्षा करने वाले,
तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी, अरावरी आपकी चेरी दासी, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी चेरी हूं। किसकी? भगवान कृष्ण की। आपकी सेवा में, आपके दासत्व में मैं हमेशा रहना चाहती हूं। आदि अंत निज नाव तेरो ही माये फेरी, आदि अंत मेरे जीवन की शुरुआत से लेकर के जीवन के अंत तक। दूसरा अर्थ है आदि भी आप ही हैं, अंत भी आप ही हैं। तो ऐसे में मैं आपके नाम की ही, आपके नाम की ही माला जपती रहती हूं, हिमाये फेरी। आपके नाम की माला मैं जपती रहती हूं, बेर बेर पुकार कहूं, बेर बेर बार बार पुकार कहूं, पुकार करके मैं कहती हूं, बेर बेर पुकार कहूं, प्रभु आरती है तेरी। आरती इस संसार से विरक्त होकर के ईश्वर को दयार्द्र करने के लिए, ईश्वर का साथ पाने के लिए जो हम उनके गुणों का गान करते हैं वो आरती है। बेर बेर पुकार कहूं, आरती है तेरी। हे प्रभु, मैं बार बार पुकार करके आपकी आरती करती रहती हूँ, इस संसार से विरक्त होकर के आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी आरती करती रहती हूँ। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, क्या पंक्तियाँ हैं? यो संसार विकार, इस संसार में जो विकार है, दोष है, जो आसक्ति है, उस आसक्ति में कहा मैं, उसी में मैं घिर गई हूं। इस संसार सागर में जो दोष हैं, जो विकार हैं, उसमें मैं चारों तरफ से घिर गई हूं, उसी में डूबती उतराती रहती हूं। नाव फाटी प्रभु पाल बाधो, बूढ़त है मेरी, और उन विकारों में फंस करके, जो विकार है वो सागर रूपी विकार है, बहुत बड़ा है, उसमें फंस करके मेरी जो नाव है, मेरी जो जिंदगी की नाव है, वो डूबती चली जा रही है। विकार रूपी इस संसार में मेरी जो नाव है वो टूट गई है, और मैं संसार सागर में डूबती जा रही हूं। तो किसका सहारा है? विरहण पिव की बाट जोए, राख लियो नेरी। बेरहणी अपने प्रियतम से जो अलग है, और उसके दुख में, उसके वियोग में तड़प रही है, वो विरहणी है। मेरा भाई कहती हैं कि मैं अपने प्रियतम से, अपने आराध्य देव कृष्ण से अलग होकर विरहिणी हूं, मैं आपके विरह में तप रही हूं, जल रही हूं। तो चाहती क्या हूं? आपकी शरण में आकर के क्या करना चाहती हूं? नेरी, आपके नजदीक, आपके पास, आपके निकट में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। आपका ही सहारा है, आपका जो शरण है उसमें मैं आना चाहती हूं। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। मीराबाई कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूं, और मैं आपका नाम रटते रटते, राम 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 राम, कृष्ण 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 रटते रटते,
आपकी शरण में ही स्थान पाना चाहती हूँ, इसी में मेरा जीवन सफल है, इसी में मेरे जीवन की लालसा है, जीवन ही उसी में पूरी तरह से समर्पित है। तो इस पद में मीराबाई भगवान कृष्ण भगवान राम का सामीप्य पाना चाहती हैं। इस संसार रूपी सागर में जो विकार हैं, जो दोष हैं, उन दोषों में वो घिर गई हैं, उससे वो निकल करके भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहती हैं। उसके लिए उनसे आराधना करती हैं कि आप मुझे अपने शरण में स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। ये दूसरे पद का अर्थ है। एक तीसरा पद और है, उसमें भी अनहद नाद की बात कही गई है। अनहद नाद, अनहद नाद है वो आवाज जो बिना किसी वाद्य यंत्र के बजाए ही आपके हृदय में उठती है। वह आनंद जो प्रभु की कृपा से ईश्वर को याद करते हुए ईश्वर के जप तप में बिना वाद्य यंत्रों के ही उठती है, जो आनंद मिलता है वो अनहद नाद है। तो जो जिंदगी है, उस जिंदगी में चार दिन की जो जिंदगी है, जिसको उन्होंने कहा है कि होली, जिंदगी में जो होली है उनके चार दिन की जो जिंदगी है, उसमें बिना किसी वाद्य यंत्र के ईश्वर की कृपा से जब वो ईश्वर का जप तप करती हैं, उनके भक्ति में लीन हो जाती हैं, तो उनके हृदय में एक आनंद उठता है। उसी आनंद का वो बखान करती हैं होली के त्यौहार से। उसको होली जब आती है तो तरह तरह के वाद्य यंत्र बजते हैं, गुलाल, रंग, पिचकारी, ये सब आती है, और उससे मनुष्य अपने सारे दुखों को भूलकर सुख की अनुभूति करता है। वैसे ही इनके जीवन में होली जो है वह कौन सी होली, कृष्ण भक्ति की होली, उसको उन्होंने बताया है। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। हेमन, चार दिन के लिए जिंदगी में होली आई हुई है, और उसका जो आनंद है उस आनंद को लो, होली खेलो। किस किस चीज से भाई, बिन करताल पखावज बाजे अड़हद की झनकार रे। कौन सी होली उनकी, भगवान कृष्ण की भक्ति की होली है, जिसमें न तो कोई वाद्य यंत्र, यहां दो दिया हुआ है करताल और पखावज, ये दोनों बज नहीं रहे हैं होली में, जैसे बजते वो बज नहीं रहे हैं। इसके बाद जो है कृष्ण की भक्ति में जो अंदर से आवाज निकल रही है वो है अनहद, बिना वाद्य पखावज के करताल के बजाय ही अंदर से एक ध्वनि उठ रही है, उसकी झनकार सुनाई पड़ रही है, भक्ति की झनकार सुनाई पड़ रही है। बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकार रे। श्रेष्ठ सुर और ताल से जो एक अंदर तरंग उठती है वो बज नहीं रहे हैं, इसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर कृष्ण भक्ति में सुर ताल, अंदर ही श्रेष्ठ सुर ताल का अनुभव हो रहा है। शील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे।
बहुत बढ़िया उपमा दी हुई है, शील संतोष की केसर घोली। शील और संतोष, इन दो गुणों की उपमा कौन से, केसर रूपी से शील और संतोष को मैंने अपने जीवन में अपना लिया, उसका घोल बना लिया, ले लिया है। और प्रेम प्रीत पिचकार रे, पिचकारी किसकी, प्रेम और प्रीत की पिचकारी बना दी है। जैसे ये होली में जो पिचकारी होती है केसर वगैरह बना करके, जो केसर डाल करके जो घोल बनाते हैं पीते हैं, तो उनके जीवन में केसर क्या है, शील और संतोष, और पिचकारी क्या है, प्रेम और प्रीत की पिचकारी उनके अंदर चल रही है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। होली के त्योहार पर, होली के दिनों में आकाश में अबीर गुलाल उड़ता है, रंग उड़ता है, और चारों तरफ बरसत रंग अपार रे, अपार अनंत रंग चारों तरफ दिखाई पड़ता है, लोग एक दूसरे पर फेंकते हैं। घट के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे, घट के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। होली के दिनों में लोग सारी लोक लाज को छोड़ करके होली खेलते हैं, कुछ मर्यादाएं टूट जाती हैं। तो कृष्ण भक्ति में मीराबाई ने सारी लोक मर्यादाओं को डाल दिया है, एक तरफ कर दिया है, और उनके मन में प्रीति के, प्रेम के, भक्ति के ये क्या हैं, अबीर गुलाल रंग सब उड़ रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार रे। मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु हे गिरधर, अब मैं कहाँ हूं आपके चरणों में। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं, मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो ईश्वर हैं, मेरे जो पति हैं, मेरे जो साजन हैं, वो कौन हैं, गिरधर नागर हैं, और मैंने अपने आप को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। भक्ति की चरम अवस्था को होली के माध्यम से मीराबाई ने इस पद में प्रस्तुत किया है। इसको एक बार पीकर मनुष्य भी भक्ति रस में डूब जाता है। आज इन दो पदों के साथ यह गिरधर नागर कविता यहीं समाप्त होती है। नमस्कार, नमस्कार।